उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आह्वान पर समाजवादी विकास मिशन एवं सामाजिक न्याय पद यात्रा निकाली गई है। उसी क्रम में आज वाराणसी के सावित्री विधानसभा क्षेत्र के अंदर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष विक्रम गुप्ता जी को और सावित्री विधानसभा के हमारे अध्यक्ष सियालाल राठौर जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के हरीश प्रतापगढ़ संजय यादव जी से लेकर तमाम हमारे भोटर दफ्तर नेता भी सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। आज इस पदयात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरे देश की जनता के साथ झूठ बोल रही है, नफरत पैदा कर रही है, खाद्य निर्माण पैदा करने का काम कर रही है और जनता के हर उस मोर्चे पर विफल है, इसको हम एक सरकार के मुद्दे पर शायद करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये है कि अपराध चरम पर है, चारों तरफ हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार, अनाचार, कदाचार का व्यवस्था था। जिस तरीके से आम जनता खेत में बिना भेदभाव के काम होते थे, दोनों सरकारों के अंतर को बताने के लिए समाजवादी साथियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है और समाजवादी पार्टी के साथी आज सड़कों सड़कों पर निकलकर गरीब लोगों में जाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता और समाजवादी सरकार जो 2012 से लेकर 2017 तक थी और उसके पूर्व में जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार रही है, सारे अच्छे कार्यों को आम जन को बताकर दोनों के अंदर अंतर करने का कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आम जनता इस बात को समझ सके, झूठ बोलने वालों का साथ देने की जरूरत है, सच बोलने वालों का साथ देने की जरूरत है। अगर देश का विकास प्रदेश का विकास हो सकता है तो समाजवादी रास्ते से हो सकता है, अन्य किसी रास्ते से नहीं हो सकता। आप लोगों का क्या इसका उद्देश्य है? हम लोग समाजवादी पार्टी हम लोग अपना भाजपा लेकर एक व्यापारी एक जनता शिक्षण प्रधान।